हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदना। कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। तो गाइज, आज सच्ची बताऊँ ना तो मुझे हेयर स्पा करने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हेयर स्पा करना है, बट छोटे स्टेप वाला करना है, क्योंकि जनरली अगर आप देखते हो ना तो हेयर स्पा में 2 से 3 स्टेप होते ही है। अगर आप पार्लर जाके करवाते हो तो वहाँ तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। इतना ज़्यादा टाइम अभी के टाइम पर हमारे पास होता नहीं है, बहुत सारा काम होता है। और आज मुझे 2-3 वीडियो और भी शूट करने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटे स्टेप का हेयर स्पा करते हैं। जनरली अगर आप यू नो एक्सपेक्ट करते हो तो मे बी आज के वीडियो में आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पर बाजू के घर में कुछ काम चल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। आज के हेयर स्पा से आपको फ़ायदा क्या होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई, ऑयली, फ्रीजी और ख़ास करके आपके बालों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपके बालों का टेक्सचर आपको इम्प्रूव करना है, शाइनी करना है और आपके बालों में एक वॉल्यूम ऐड करना है, तो ये सिंपल वाला आज का जो हेयर स्पा है वो आप घर पर डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ सारे इंग्रेडिएंट आपको वैसे ही लेने हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, ये हेयर स्पा के लिए यहाँ पर मैंने बेसिक जो घर के चीज़ें होती है, घर के इंग्रेडिएंट होते हैं, वो ही लिए हैं। सबसे पहले आपको गाढ़ा दही लेना है, और अगर आपके दही में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो हम क्रीम बनाना चाहते हैं हेयर स्पा की, जो मार्केट में मिलती है, वैसी क्रीम आपकी नहीं बनेगी। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आपके दही में पानी ना हो। तो अगर आपके दही में पानी है तो आप मलमल या तो कॉटन के कपड़े में से यू नो पानी एक्सट्रैक्ट करके आपका गाढ़ा दही ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गाढ़ा दही लिया है। हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मान लो कि अगर आपकी हेयर लेंथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तो आप 3 से 4 चम्मच, इन शॉर्ट आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दही ले सकते हो। दही हमारे बालों को चमकदार, सॉफ्ट करने के लिए काम आता है, हमारे टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, और ख़ास करके दही एक क्लींजिंग का काम भी करता है। जनरली गर्मी में हमारी जो स्कैल्प होती है काफ़ी ऑयली हो जाती है, तो वो ग्रीसीनेस निकालने के लिए दही काम आता है, ठीक है। दूसरी आपको जो चीज़ यहाँ पर लेनी है वो है एलोवेरा जेल, आपको लेना है। आप ट्राई कीजिए कि रेडीमेड एलोवेरा जेल ही ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्रीम बनानी है ना, अगर आप प्लांट का एलोवेरा जेल लोगे तो आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी जो हम मतलब हम चाहते हैं ना, वैसी आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। इसीलिए मैं आपको मार्केट का रेडीमेड एलोवेरा जेल लेने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ। तीसरी आपको जो चीज़ लेनी है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है तो वो आप ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल है अल्प्स गुडनेस का। जनरली टी ट्री एसेंशियल ऑयल का काम है डैंड्रफ को दूर करना, हमारे कोई भी स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल आप यू नो परचेज कर सकते हो। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। और है अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल तो आपको जस्ट 2 बूंद ही इसमें डालनी है। नेक्स्ट आपको जो चीज़ इसमें डालनी है वो है आपको 1 चम्मच भर के हेयर ऑयल मिक्स करना है। कोई भी हेयर ऑयल आप ले सकते हो जो आप करंटली अभी बालों के लिए इस्तेमाल करते हो, कोकोनट, आमला, ओलिव ऑयल, कोई भी XYZ आप हेयर ऑयल ले सकते हो। यहाँ पर मैं विश केयर का 100% प्योर कलौंजी ब्लैक अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच आपको भर के ऑयल डालना है, क्योंकि ऑयल भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। हेयर स्पा में जितनी आप क्रीमी कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें यूज़ करोगे उतनी ही आपके बालों के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो 1 चम्मच ऑयल डाल लिया यहाँ पर मैंने। लास्ट में आपको जो कंपलसरी एक चीज़ डालनी है वो है 1 विटामिन ई की कैप्सूल में से आपको ऑयल निकाल कर डालना है। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जनरली हमारी स्किन या तो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए विटामिन ई काम आता है। इसमें जितना भी ऑयल है आप इसमें डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मिक्स करते जाइए, आपकी क्रीमी कंसिस्टेंसी रेडी हो जाएगी।
आज है गाइस 24 अप्रैल, तो पर्पल के ऊपर मेकअप स्टेशन सेल चल रही है। अप टू 50% ऑफ आपको वहां पर कोई भी ब्रांड्स के ऊपर मिल जाएंगे। खास करके अगर आप यू नो कूपन कोड यूज करते हो गेट 100 वाला, तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी आपको मेकअप से रिलेटेड बाय करना है या स्किन केयर के रिलेटेड बाय करना है, तो ये सही टाइम है। और ऊपर से गाइस 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आई हार्ट ब्यूटी सेल चलने वाली है पर्पल के ऊपर, जिसमें आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएंगे। चाहे कोई भी ब्रांड हो, गुड वाइब्स, आल्स गुडनेस, एनवाईबे, वयम, डमडोक, वाओ, बायोटिक, लोटस, मेबिलिन, तो मेकअप या स्किन केयर कुछ भी लेना है तो ये बेस्ट टाइम है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मैंने दे दी है। अब सबसे पहला जो काम है हेयर स्पा, आपको ये क्रीम अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या है कि कई बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या दीदी हेयर स्पा हम यू नो ऑयली बालों के ऊपर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ऑयली बालों के ऊपर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके बाल ज़्यादा गंदे या मेले नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये हेयर स्पा का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ऑयली बालों पर करते हो तो कोई बात नहीं, बट यू नो अगर आपने 5-6 दिन से आपके बालों को वॉश नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले हेयर वॉश करके फिर बाद में ही ये हेयर स्पा करना पड़ेगा, क्योंकि गंदे बालों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर सिंपल पानी ये स्प्रे बॉटल में भर के रखा है। आपको आपके बालों को वेट कर लेना है, गीला कर लेना है। जनरली आप स्पा में जाते हो तो यही टेक्निक वहाँ पर फॉलो करते हैं, क्योंकि क्रीम को हमारे बालों के ऊपर चिपकाने के लिए अगर पानी इसमें होगा, मॉइस्चर इसमें होगा, तो जल्दी से ये जो क्रीम अभी हमने यहाँ पर बनाई है ना, जल्दी से आपके बालों के ऊपर एक कोट की तरह अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से बालों को मैंने गीला कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि छोटे छोटे सेक्शन बालों के इस तरीके से लेते जाना है, और अभी हमने जो यहाँ पर क्रीम बनाई है वो आपको बालों के ऊपर एक कोटिंग के जैसे अप्लाई करनी है धीरे धीरे। आप यहाँ पर रूट से लेके नीचे तक लगा सकते हो, कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और नीचे तक आपको लगाते लगाते आना है, और आपकी जो दो ये उंगलियों होती है उससे आपको इस तरीके से मसाज करनी है, कोट करनी है ये क्रीम को आपके बालों के ऊपर। अभी मैं आपको जो हेयर स्पा बता रही हूँ वो घर पर करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला भी नहीं है, आसानी से आधे घंटे में हो भी जाता है, और इंस्टेंटली विद इन 30 मिनट आप आपके बालों के ऊपर जो यू नो अमेजिंग रिजल्ट देखोगे। बाल ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएंगे ये घर के हेयर स्पा से। इस तरीके से आप अप्लाई करने के बाद बन बना लीजिए, और फिर जो पॉलीथीन आती है ना उसको आपके बालों के ऊपर अच्छे से यू नो कवर कर लीजिए आपके बालों को पॉलीथीन से, ताकि आप में से जो नेचुरल यू नो गर्मी निकलेगी उससे ही आपको स्टीम मिल जाएगी, तो आपका स्पा और स्पा का जो रिजल्ट होगा ना वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो गाइस हेयर स्पा करने के बाद जब 30 मिनट आपको इसे रखना है, उसके बाद हो सके तो माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कीजिए, अदरवाइज यू नो ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जो अभी हमने हेयर स्पा किया है। तो जनरली आप लोग मुझे पूछते हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं यूज़ आज करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, क्योंकि इसमें लेस केमिकल आते हैं, हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं होते, और ऑलरेडी ये मेरा जो है वो ख़त्म होने को आया है, तो मैं इसके लिंक आपको नीचे दे दूंगी। जब मेरे बाल हल्के गीले होंगे तब यहाँ पर मैं लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम यूज़ करी हूँ, जो कि मेरे जो मिड से लेकर नीचे टिप तक मेरे बालों के ऊपर हल्के गीले बालों के ऊपर लगा लूँगी। इससे मेरे बाल मैनेजेबल रहेंगे, स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट एंड शाइनी रहेंगे। तो ये था गाइज आज का मेरा छोटा सा हेयर स्पा का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे आप यू नो 15 दिन में एक बार या तो मंथली एक बार कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज, सी यू एंड लव यू ऑल, आओ जो